बजे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। तलवार लेकर उत्पात मचाते धरा गया युवक। मानकापुर पुलिस ने शनिवार की रात गश्त के दौरान एक युवक को तलवार लेकर उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी गोविंद गोरखेड़े कॉम्प्लेक्स सेमिनरी हिल्स निवासी शैलेंद्र कैलाश कैस्ती बताया गया है। शनिवार रात 10:40 के दौरान पुलिस दस्ता परिसर में गश्त लगा रहा था। इसी दौरान पुलिस को गोविंद लॉन के पास शैलेंद्र हाथ में तलवार लेकर उत्पात मचाते हुए दिखाई दिया। तुरंत पुलिस कर्मियों ने उसे काबू में कर तलवार जब्त कर ली। उसके खिलाफ और भी कई आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। तो वहीं दूसरी ओर जरीपटका थाना क्षेत्र में एक युवक को दोस्त के साथ हो रहे झगड़े में बीच बचाव करना भारी पड़ा। विरोधी गुट ने उसी पर चाकू से हमला बोल दिया। पुलिस ने स्नेहदीप कॉलोनी निवासी रजनीश बाबूराव गवई की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। बता दें कि यह घटना पुराने विवाद को लेकर हुई है। तो वहीं तीसरी ओर सराफा व्यापारी के साथ विश्वस्त कर्मचारी ने ही धोखाधड़ी की। समय समय पर सोना चांदी गबन कर करोड़ों रुपयों का चूना लगा दिया। संस्थान के नाम पर ज्वाइंट अकाउंट खोलकर करोड़ों रुपए गबन कर लिए। जांच करने पर धोखाधड़ी सामने आई और पुलिस से शिकायत की गई। लकड़गंज पुलिस ने शिवाजी नगर निवासी हार्दिक भरत पारक की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों में रामकुंवर जागीर, सुनील जागीर और मोहनलाल जागीर का समावेश है। हार्दिक दारोडकर चौक के गायत्री पैलेस में स्थित पारिक ब्रदर्स ज्वेलर्स के संचालक है। सराफा का पुश्तैनी व्यवसाय है रामकुंवर और सुनील। उनके यहाँ कई वर्षों से काम कर रहे थे। फर्जी दस्तावेज बनाकर आरोपियों ने व्यवसाय और संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी बताकर कुल 9,42,00,000 रुपयों की धोखाधड़ी की। बता दें पहले व्यवसाय पीड़ित के दादा अनंत राव संभाल रहे थे। उनके बीमार पड़ने के पश्चात व मृत्यु काल के दौरान आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।